हाई गाइज दिस इज रश्मि वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल तो गाइज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ब्राइडल सारी हॉल फ्रॉम मीशो और क्योंकि मीशो के हॉल्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं तो मैंने सोचा कि आपके साथ इस बार ब्राइडल सारी हॉल शेयर कर दिया जाए क्योंकि वेडिंग सीजन तो चली रहा है तो uh, आपके काफ़ी ज़्यादा काम भी आ जाएगा ये वीडियो सारी क्वालिटीज़ मटीरियल जो भी है मैं सारा कुछ डिटेल में आपको बता दूंगी तो वीडियो को स्किप मत करना अदरवाइज आपसे डिटेल्स मिस हो जाएंगी तो विदाउट एनी फर्दर आई डू लेट जस्ट गेट स्टार्ट इट तो सबसे पहले जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो है ये सॉफ्ट सिल्क मटेरियल में मरून कलर uh, की साड़ी गाइस इसका जो कलर है ना तो प्रॉपर मरून है और ना ही प्रॉपर वाइन शेड है ये दोनों का कुछ ऐसे मिक्सअप सा है बट कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा बहुत ही ज़्यादा प्रिटी कलर है और इस पर पूरा गोल्डन कलर का इस तरीके का बॉर्डर है और इस पर ये बॉर्डर दोनों तरफ है पूरी साड़ी पर इस तरीके के ये बूटे बन रहे हैं एंड बॉटम में भी आपको इसी तरीके का बॉर्डर मिल जाएगा सेम इसी तरीके का बॉर्डर दिया हुआ है नीचे की तरफ भी साड़ी का जो मटेरियल है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट वाला है सिल्क मटेरियल है ये सॉफ़्ट वाला जो सिल्क होता है वो मटेरियल है तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है प्राइस वाइज मैं देखूँ तो आ, ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है अगर प्राइस से मैं कंपेयर करूँ इसका पल्ला पूरा इस तरीके से गोल्डन ऐसे दिया हुआ है फ्लोरल इसमें टच है ये पूरा ब्रोकेड वाला है गाइज इसमें ये अलग से ऊपर से नहीं लगाया ये साड़ी में ही इंक्लूडेड है पूरा गोल्डन ये इसमें बोवन टाइप का है साड़ी में ही तो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है ये साड़ी प्राइस वाइज अगर प्राइस को हटा दिया जाए तो आई कैन से कि थोड़ा सा आप देख सकते हो कि आ, थोड़ा सा पता चल रहा है कि हाँ साड़ी का प्राइस थोड़ा कम है मतलब ऐसा नहीं है कि प्राइस कम है बट देखने में वो बहुत महंगी लग रही हो ऐसा नहीं है दूर से आप देखोगे तो दूर से आपको लगेगा कि बहुत महंगी साड़ी है बट आप पास से देखोगे तो आपको थोड़ा क्वालिटी वाली दिखेगा इशू कि थोड़ा सा आ, क्वालिटी इसकी कम है अदरवाइज साड़ी बहुत अच्छी है प्राइस पे जाओ तो प्राइस पॉइंट तो मतलब मैं कहूँगी टेन ऑन टेन है बाकी क्वालिटी मैटर करती है इसमें जो ब्लाउज पीस है वो इस तरीके का प्लेन दिया हुआ है सेम फैब्रिक में और इस पर यह बॉर्डर दिया हुआ है जो कि आप स्लीव्स वगैरह पे लगा सकते हो तो ये बॉर्डर आप स्लीव्स पे लगवा सकते हो बाकी पूरा ब्लाउज़ इसमें प्लेन दिया है इसका मटेरियल भी गाइस अच्छा है अगर प्राइस वाइज़ देखा जाए तो उसका मटीरियल भी काफ़ी अच्छा है तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट अगर आपका बजट पाँच सौ से कम का है अगर आप विद इन फाइव हंड्रेड कुछ देख रहे हो अंडर फाइव हंड्रेड तो यू कैन कंसिडर दिस सारी इसमें दूसरे कलर ऑप्शन भी हैं और कलर्स इसमें सारे ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल हैं जो भी आप कलर उठाओगे वो एक से एक डिफरेंट शेड है इसमें बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल से शेड्स हैं तो यू कैन ट्राई दिस साड़ी अगर आपका बजट 500 से कम है नेक्स्ट जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो है ये मस्टर्ड कलर की साड़ी ये शिफोन मटेरियल में है तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है मटीरियल और सॉफ्ट होने के साथ साथ थोड़ा सा शाइनी भी है आपको दिख रहा होगा एंड इसमें, इसमें इस तरीके का बॉर्डर दिया हुआ है एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर है ये गोल्डन सीक्वेंस के साथ में इसमें थ्रेड वर्क हो रहा है गोल्डन तो इस तरीके का इसमें बॉर्डर है एंड बॉर्डर आपको आ, दोनों साइड मिलेगा बॉटम में भी सेम बॉर्डर दिया हुआ है एंड इस तरीके से इसका पल्ला सेम है इसमें डिफरेंट पल्ला नहीं दिया है सिर्फ पल्ले पे इस तरीके से बॉर्डर है एंड इस तरीके के ये टेसल्स दिए हुए हैं पल्ले पे दोनों साइड में ये आप देख सकते हो कि टेसल्स दिए हुए हैं दोनों कॉर्नर्स पे और गए साड़ी का मटीरियल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और बाकी की साड़ी पे आप देखो कि छोटा छोटा ना ऐसे ये फॉइल प्रिंट में बूटे बन रहे हैं अगर आपको विजिबल हो रहा हो तो ये छोटे छोटे से बूटे बन रहे हैं साड़ी में साड़ी की लेंथ साढ़े पाँच मीटर है पिछली वाली साड़ी की लेंथ भी साढ़े पाँच मीटर थी और ब्लाउज की लेंथ भी आई थिंक इसमें अस्सी सेंटीमीटर से एक मीटर तक का ब्लाउज है तो आप इजिली बना सकते हो एक मीटर में कोई अगर हेल्दी लेडी भी है तो उसका भी ब्लाउज बन जाता है इसमें जो ब्लाउज दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है बनारसी सिल्क मटेरियल में प्लेन ब्लाउज दिया हुआ है ब्लाउज में कोई बॉर्डर प्रोवाइडेड नहीं है गाइस एकदम से प्लेन ब्लाउज दिया हुआ है बट इसमें वेस्ट बेल्ट प्रोवाइड कराई गई है तो इसमें ये बेल्ट दी हुई है जो अंदर से आप इसके साथ अटैच है जब ब्लाउज का फैब्रिक हम साड़ी से अलग करेंगे तो ये वेस्ट बेल्ट निकल के आएगी मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से तो आदि ये अंदर की तरफ अटैच है तो ये वेस्ट बेल्ट दी हुई है बांधने के लिए तो आप इसको वेस्ट बेल्ट के साथ साड़ी को स्टाइल कर सकते हो वेस्ट बेल्ट सेम साड़ी पे जो बॉर्डर है वैसी दी हुई है तो गाइज इसका लुक तो बहुत अच्छा आता है आप ट्राई ऑन में देख ही चुके हो आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो अगर आपका थोड़ा सा बजट ऊपर है हज़ार के आसपास का बजट है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो फैब्रिक में कोई शिकायत नहीं है अच्छी क्वालिटी है साड़ी की और इसमें शायद रेड कलर या मरून कलर भी अवेलेबल है

साड़ी का एंड ये बॉर्डर आपको पूरा आ, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ प्रोवाइडेड है बॉटम में भी एंड ऊपर भी और इसका पल्ला थोड़ा इस तरीके का है पूरी साड़ी प्लेन है सिर्फ इसमें ये बॉर्डर बॉर्डर दिया हुआ है इस तरीके से इसका ये पल्ला है एंड साढ़े पाँच मीटर की साड़ी है मैं इसका ब्लाउज भी आपको एक बार दिखा देती हूँ तो इसका जो ब्लाउज है ब्लाउज पे पूरे पर एम्ब्रॉयडरी हो रही है गाइज तो मैं एक बार आपको इसका दिखा देती हूँ तो इस तरीके का ब्लाउज है ये ये ब्लाउज़ का फ्रंट या बैक आप कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हो साथ में बॉर्डर भी दिया हुआ है तो आप इस बॉर्डर को भी यूज़ कर सकते हो एंड स्लीव्स की एम्ब्रॉयडरी भी दी हुई है तो ये स्लीव्स की एम्ब्रॉयडरी दी हुई है दोनों स्लीव्स की तो इस तरीके का ये ब्लाउज पीस आपको दिया हुआ है इसमें से बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनेगा बट uh, मैं प्राइस वाइज अगर साड़ी को देखूँ तो साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर है आप नाइट uh, टाइम में यानी कि आर्टिफिशियल लाइट में जब ये साड़ी को पहनोगा ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगी दूर से कोई uh, आप मतलब कोई भी नहीं सोच पाएगा कि ये साड़ी इतनी सस्ती होगी बट अगर पास से कोई इसको देखेगा या डे दे लाइट में देखेगा तो इसकी थोड़ा क्वालिटी में थोड़ा इशू आ सकता है क्योंकि इसकी क्वालिटी थोड़ा सा विजिबल हो जाती है कि थोड़ा सा इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है उसमें उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है इसके बॉर्डर पे जो फैब्रिक लगाया हुआ है वो डिफ़रेंट फैब्रिक है तो थोड़ा सा वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है अगर आप क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते तो मैं कहूँगी कि आप इसको इसको ना ले, बट अगर थोड़ा बहुत चलता है ऊपर नीचे तो आप इसको कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसका बॉर्डर पास से दिखा दिया था मैं एक बार और दिखा देती हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा इसका आप बॉर्डर देख लो पास से कि इसकी क्वालिटी कैसी लग रही है तो इस तरीके की क्वालिटी है इसकी अगर मैं और पास से दिखा देती हूँ तो अगर आपको ओके ओके लग रही है देन यू कैन गो विथ दिस साड़ी अगर आपका बजट कम है तो मैं कहूँगी कि डेफिनेटली आपको ट्राई करनी चाहिए कम बजट में अच्छा है बट अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो मैं कहूँगी आप इसको ट्राई ना करें तो अगर आपका बजट 500-600 तक का ही है तो मैं कहूँगी कि उस हिसाब से ये साड़ी बहुत अच्छी है बट अगर आपका बजट ज्यादा है तो मैं कहूँगी कि तो आप कुछ और अच्छा ट्राई कर सकते हो बट अगर आपका वाकई में बजट बहुत ज़्यादा कम है 500-600 तो उस हिसाब से देखा जाए तो साड़ी बहुत सुंदर है थोड़ा वो थोड़ा सा क्वालिटी का इशू सिर्फ आ सकता है इस बॉर्डर को लेके अदरवाइज कोई इशू नहीं है तो इस तरीके की क्वालिटी अगर आपको चलेगी पाँच सौ सौ में वैसे ये क्वालिटी मिल रही है तो ये मतलब बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके की मिल रही है इतनी एम्ब्रॉयडरी मतलब अगर आप कराओगे तो वो बहुत ही ज्यादा महंगी हो जाती है तो उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो साड़ी अच्छी है बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ये साड़ी आप तभी लो जब आपका बजट बहुत कम है अगर यू कैन इन्वेस्ट मोर तो आप इसको ना लें आप कुछ और अच्छे ऑप्शन देख सकते हो नेक्स्ट मैं आपसे शेयर करूंगी ये रेड कलर की शिफोन साड़ी और इस साड़ी में फैब्रिक तो गए इसका बहुत अच्छा है बहुत सॉफ्ट है इसपे इस तरीके का बॉर्डर है एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर है वो, ये बॉर्डर भी इसमें अलग से लगा हुआ है डिफरेंट फैब्रिक का है सेम फैब्रिक में नहीं है डिफरेंट फैब्रिक है तो वो थोड़ा सा डिफरेंस डिफरेंस पे कर सकते हैं जो भी आपकी साड़ी थोड़ा उसको लगेगा कि इस फैब्रिक में और इस फैब्रिक में थोड़ा डिफरेंस है पूरी साड़ी पे इस तरीके के बूटे बन रहे हैं एम्ब्रॉयडरी हो रही है पूरी इस तरीके की पूरी साड़ी पे आप देख सकते हो कि इस तरीके के ये बूटे बन रहे हैं और थोड़ा पास से दिखा देती हूँ मैं आपको तो इस तरीके के बूटे ये पूरी साड़ी पे बन रहे हैं एंड बॉर्डर भी मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ बॉर्डर की क्वालिटी एक्चुअली क्या है तो ये क्वालिटी है बॉर्डर की आप देख सकते हो एम्ब्रॉयडरी उतनी ज़्यादा चीप नहीं लगती अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्टेंस से देखोगे बट आप इसको बिल्कुल ऐसे करके देखोगे पास से तो आपको थोड़ा सा चीप लग सकती है तो पूरी साड़ी पे सिर्फ ये ही पैटर्न है सारी जो ये बूटी बन रही है और ये बॉर्डर है पल्ला इसका ये है जिस पर ये टैसल्स लग रहे हैं ये इसका पल्ला है इस पर पूरे पे ये टैसल्स लग रहे हैं और गाइज इसका ब्लाउज बहुत सुंदर है पूरी साड़ी आपको ऐसी ही मिलने वाली है इसका जो ब्लाउज है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ तो इसका जो ब्लाउज है वो इस तरीके का है पूरे ब्लाउज पे एम्ब्रॉयडरी हो रही है आप देख ही सकते हो एंड एम्ब्रॉयडरी मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके की एम्ब्रॉयडरी है तो आप इसको पास से देख सकते हो कि किस तरीके की ये एम्ब्रॉयडरी हो रही है ये पूरे आपका पूरा ब्लाउज इस तरीके का है एंड इस पर आपको स्लीव्स मिल जाएंगी तो ये इस तरीके से ये स्लीव्स हैं यानी कि पूरा ब्लाउज आपका एम्ब्रॉइडर होने वाला है फ्रंट बैक एंड ये स्लीव्स तो इस तरीके की स्लीव्स भी आपको मिल जाएंगी तो आप मतलब ब्लाउज बहुत ज्यादा इसका हैवी लुक देगा बनने के बाद मतलब प्रॉपर ब्राइडल साड़ी है ये तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो अगर आपका बजट हजार बारह सौ के आसपास का है तो आप इस साड़ी को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो डे टाइम में थोड़ा सा इसका इसका जो फैब्रिक है ये ब्लाउज का ये थोड़ा सा सॉफ्ट जो डुपियन सिल्क होता है ना मतलब सिल्क प्रॉपर सिल्क नहीं है उस का ड्यूब कह सकते हैं तो वो मटेरियल में है एंड साड़ी में जो बॉर्डर लगा है वो भी इसी मटेरियल का लगा हुआ है तो ये मटेरियल थोड़ा सा मुझे कम पसंद आया साड़ी का मटेरियल बहुत अच्छा है तो आप थोड़ा सा अगर 19-20 अगर आपको चलेगा तो आप ये वाली साड़ी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो मैं एकदम ऑनेस्ट अपना रिव्यू दे रही हूँ गाइज इन पर अदरवाइज इस्पॉन्सर्ड होता तो मैं कहती कि बहुत अच्छी साड़ी है आप ज़रूर ट्राई करो तो मैं आपको पूरी क्वालिटी पास से इसीलिए दिखा रही हूँ सो यू कैन डिसाइड कि आपको ये साड़ी लेनी है या नहीं लेनी है इस बजट के अंदर आ, आपको ये अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी या आपको कुछ और ट्राई करना चाहिए तो मैं एक बार और आपको पास से दिखा देती हूँ इसका वर्क किस तरीके का वर्क है इसका तो ये इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी हो रही है अगर आपको ये अच्छी लगती है तो यू कैन डेफिनेटली बाय इट इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है प्रॉपर ब्लाउज सिलने के बाद जब आप इसको वेयर करोगे प्रॉपर जो ब्राइडल वाला लुक है ना वो आएगा न्यूली ब्राइड्स इसको ट्राई कर सकते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये लेमन येल्लो कलर की साड़ी जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है आज के हॉल में तो गाइज़ इसमें ब्यूटीफुल सी एम्ब्रॉयडरी हो रही है थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हो रही है आप देख सकते हो जिसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है बिल्कुल भी चीप नहीं लग रही है साड़ी कहीं से भी चीप नहीं लग रही जॉर्जेट मटेरियल में साड़ी है और जॉर्जेट भी इसका बहुत ही सॉफ्ट वाला जॉर्जेट मटीरियल है इसकी एम्ब्रॉयडरी में इसीलिए आपको सारी चीज़ें पास से दिखा रही हूँ सारी जिससे कि आपको आइडिया हो जाए इसकी एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल भी चीप नहीं है गाइज काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी है एंड पूरी ही साड़ी पर इस तरीके का ये सीक्वेंस वर्क हो रहा है जो कि सेम कलर का इसमें जो सितारा यूज किया गया है वो सेम कलर का है जिससे कि वो ज्यादा हाईलाइट ना हो काफी ज्यादा लाइट वेट है साड़ी में बिल्कुल भी वेट नहीं है एंड आप देख सकते हो ये पूरा बॉर्डर इस तरीके से दिया हुआ है बॉटम में भी सेम इसी तरीके का बॉर्डर दिया है एंड ये इसका पल्ला है बाई तो पल्ले पे ये पूरा इस तरीके से हैवी पूरा एम्ब्रॉयडरी वाला बॉर्डर दिया हुआ है पूरी साड़ी आपको इसी तरीके की मिलेगी ये बीच में पूरा ऐसे सीक्वेंस वर्क है ये पल्ले पे है पूरे पे पूरा सीक्वेंस वर्क हो रहा है एंड साड़ी की बात करें तो साड़ी पे ऊपर की तरफ तो बिल्कुल सब प्लेन है और नीचे की तरफ सीक्वेंस वर्क आपको मिलेगा हाफ साड़ी में तो इस तरीके की साड़ी है लुक तो आप ट्राईवन में देख ही सकते हो एंड मैं इसका ब्लाउज आपको दिखा देती हूँ इसका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस और प्राइस वाइज देखा जाए तो ये प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि साड़ी की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है जितना इसका प्राइस है उससे ज़्यादा इसकी अच्छी क्वालिटी है तो इसका ब्लाउज़ मैं आपको शो कर देती हूँ एक बार तो ये इसका ब्लाउज है 80 सेंटीमीटर का इसमें ब्लाउज दिया हुआ है रेड कलर का ब्लाउज है जिसमें ग्रीन कलर के इस तरीके के बूटे बन रहे हैं तो आप इसको सिला सकते हो रेड कलर के कॉम्बिनेशन के साथ ये साड़ी बहुत अच्छी लगेगी मैंने भी ट्राई ऑन में इसको रेड कलर के साथ ही वेयर किया है मेरे पास दूसरा ब्लाउज था तो उसके साथ मैंने इसको वेयर किया है तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई करो ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है गाइज क्योंकि ये साड़ी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट लग रही है मतलब आज के हॉल से मेरी फेवरेट साड़ी है तो ये मेरी तरफ से हाईली 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 रिकमेंडेड है क्वालिटी वगैरह सब कुछ वन है प्राइस वाइज साड़ी की क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी ही है तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है आप इसको ज़रूर ज़रूर जरूर, जरूर, जरूर ट्राई करो सो गाइज दैट इज़ ऑल फॉर टूडे आई होप कि आपको आज का सारी हॉल पसंद आया होगा एंड गाइज इस तरीके के अगर आपको हॉल वीडियोज़ पसंद है रिव्यूज़ पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना तो गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक के लिए बाय टेक केयर